जब भगवान की कथा का प्रारंभ होता है तब मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है, ऐसा भाव प्रकट किया है। और जब भगवान की कथा का आयोजन करते हैं, जब भगवान की कथा सुनते हैं, अश्वमेध सहस्राणि वाचपे शतानि च, इस मनुष्य को हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य और बहुत सारे वाचपे यज्ञों का पुण्य प्राप्त होगा। और कहा चतुर्वर्ग साधनम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की उपलब्धि होगी। चरितम देवदेवस महादेवस परम परमोदारम चतुर्वर्ग से साधनम, ये मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष के अधिकारी रहे। और जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करेंगे, रासु यत पुण्यम अग्निष्टम शतेन तत्पुण्यम लभते शंभु कथा श्रवण मात्रतः, कथा श्रवण करने मात्र से कितना तत्पुण्यम लभते शंभु। महादेव जी इतना पुण्य देते हैं कथा श्रवण मात्र, शिवलोकम व्रजन्य रह अग्निष्टम शतेन, सैकड़ों सैकड़ों को यज्ञ कर, रासु यज्ञ करे, कौन कर सकता रासु यज्ञ। राजा भी गए और रासु यज्ञ भी गया। पहले तो राजा महाराजा ऐसे बड़े बड़े यज्ञ करते थे, अब कौन यज्ञ कर रहा है, बहुत चंडी पाठ करते हैं, रुद्र याग करते हैं, बहुत बड़े बड़े याग भी अभी नहीं हो रहा है। जो पर्यावरण का सुधार करते हैं, पर्यावरण को दिव्यता देते हैं, ऐसे यज्ञ भी बहुत शांत होने लगा है।